गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मेरी न्यू प्लेलिस्ट में जो कि है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की। इसमें मैं आपको इसके सारे के सारे टॉपिक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, हम इसके जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम देखेंगे कि आखिर वो रियल में इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसा है। उसके लिए मैं इमेजेस का यूज़ करूँगा। आई होप कि आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं हम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। पहला टॉपिक है फ्रिक्वेंसी एंड बैंड्स। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं कि आखिर ये माइक्रोवेव होता क्या है। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि लाइक एक्सरेज हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, या फिर आपका जो कलर है, कलर की जितनी भी वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हैं, ये सारी क्या हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो हैं। तो माइक्रोवेव भी इसी तरीके का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो आपकी 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, वेवलेंथ इसकी 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। ठीक है, वैसे तो कुछ जगह पर इसको और अलग दिया हुआ है कि लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 300 दिया है, या फिर थोड़ा कम भी दिया है कि कुछ लाइक 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, बट मैक्सिमम जगह पर आपको यही मिलेगा 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ओके, ये IEEE का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको माइक्रोवेव थोड़ा सा ये समझ में आया हो। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके फ्रिक्वेंसी बैंड्स के बारे में। तो आपको ये फ्रिक्वेंसी बैंड्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसको याद मैं आपको अभी करा देता हूँ। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, LSCX KUKKAVW। ठीक है, 4 3 2 इस तरीके से, LSCX KUKKAVW इस तरह से आपको 2-3 बार रिपीट करना है, आपको भी याद हो जाएंगे। अब ये इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इन बैंड्स की, बैंड्स असल में होते क्या हैं कि लाइक जो पूरी फ्रिक्वेंसी होती है ना उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक पार्ट को एक बैंड बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका एल बैंड होता है, एल बैंड की फ्रिक्वेंसी होती है, जितनी भी फ्रिक्वेंसी वो सारी गीगाहर्ट्ज़ में, ये बात याद रखिएगा, 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है एल बैंड की। एस बैंड की होती है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़, सी की होती है 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़, एक्स की होती है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़, के यू की होती है 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़, के की होती है 18 to 27 गीगाहर्ट्ज़, के ए की होती है 27 to 40 गीगाहर्ट्ज़, वी की होती है, यानी कि वी बैंड की होती है 40 to 75 गीगाहर्ट्ज़, और डब्लू की होती है 75 to 100 गीगाहर्ट्ज़। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं लाइक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं इसमें, वो सब चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए बस इतने ही बैंड काम के हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि माइक्रोवेव जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है कि आपने अभी देखा इसकी फ्रिक्वेंसी जो थी वो गीगाहर्ट्ज़ में थी, गीगाहर्ट्ज़ तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, आपने देखा 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज़ का बीच में बैंडविड्थ है, कितना बड़ा बैंडविड्थ है। ठीक है, इसके बाद में होता है हाईली डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मीन्स जिस डायरेक्शन में आप माइक्रोवेव को रिलीज़ करोगे वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, हाईली डायरेक्टिव होती है ये। ठीक है, यानी अपनी डायरेक्शन खुद नहीं बदलेगी, कोई एक्सटर्नल चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपकी ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो। ठीक, अब देखते हैं हम इसकी अगली जो एडवांटेज है वो है आपका सर्किट का स्मॉल साइज़, बहुत छोटे छोटे सर्किट, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर के ऊपर जो डिशेस लगी होती हैं, जो जिससे कि आपका घर में जो सिग्नल आता है, ठीक है, वो उसमें क्या है, सर्किट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें भी आपका माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी होता है, ब्रॉडकास्टिंग में ये काम में आता है आपका। ठीक है, और इसका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपका माइक्रोवेव का यूज़ होता है। ठीक है, माइक्रोवेव का यूज़ आपका सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करने में माइक्रोवेव का यूज़ होता है। आपका इसमें फेडिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, फेडिंग इफेक्ट कम होने का मतलब ये है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भी अगर माइक्रोवेव को ट्रैवल करा दें तो जो वहाँ पर सिग्नल पहुँचेगा वो बहुत, मतलब बहुत कम वीक होगा।
बहुत कम वीक होने का, मतलब जितना सिग्नल भेजा गया है लगभग उतना ही पहुंचेगा, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट लॉस होगा, तो इसको कहते हैं फेडिंग इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, उसकी बीम विड्थ जो है वो बहुत नैरो होती है। अभी हमने बात करी थी कि बैंड विड्थ बहुत लार्ज होती है, बट बीम विड्थ बहुत नैरो होती है। बीम विड्थ नैरो इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होती है, इसलिए इसकी जो बीम विड्थ होती है वो भी आपकी बहुत नैरो हो जाती है। ठीक, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बात याद रखना। बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, तो इसकी एप्लीकेशन जो होती हैं टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता ही है। देखो टेली कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे आपका फ़ोन वगैरह इसमें यूज़ होता है, वॉर वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा आपका रेडियो सिस्टम जो रडार वगैरह काम करते हैं, रडार एंटीना, उसमें आपका ये यूज़ होता है। माइक्रोवेव, आपने माइक्रोवेव ओवन का भी नाम सुना होगा, तो माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव का ही यूज़ होता है, जो चीज़ें होती हैं उसको गर्म करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में आपका रिमोट और इमेज सेंसिंग जो होता है इसमें भी आपका काम में आता है। ठीक, वेदर वगैरह होता है उसको लाइक सेंस करने के लिए। ठीक, एक फिर इसके बाद माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो होती है, इंजीनियरिंग का एक फील्ड है, इसमें भी आपका ये माइक्रोवेव काम में आती है। मेडिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि रेडियोमेट्रिक, कुछ होता होगा मेडिकल में, मुझे आइडिया नहीं है, बट उसमें इसका माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं इस समय।